सत्ता के लालची ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी का खानदान जो है वो ट्रेटर है, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही है, कहावत है मराठी की बड़ी फेमस, जिसमें कहा जाता है कि छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। जो खानदान पूरी दुनिया में हमेशा ये माना जाता है कि दगाबाजों का, देशद्रोहियों का खानदान है, उसकी तीसरी पीढ़ी के वंशज ज्योतिरादित्य आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस का खानदान पूरी तरह से देशद्रोही है, ट्रेटर है, विश्वासघाती है। हिंदुस्तान के न्यायाधीश को डराने का ठेका ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, एनआईए के पास है, या जो धन्ना सेठ है, अडानी, अम्बानी और दूसरे अनी नानी, ये सब इनके पास है। रामायण में जब मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तो अंत में रावण को लड़ने के लिए आना पड़ा, तो आप समझ लीजिए अगली बहस जो है वो रावण और राम के बीच में होगी। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। आज का सवाल है ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कोर्ट पर दबाव बना रही है। राहुल गांधी पूरी फौज लेकर सूरत कोर्ट गए थे, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भाषण दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो अब आप मुझे बताएं, क्या कांग्रेस वाकई खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पलटवार किया है और एक तरह से जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी विचित्र बात है कि जो खानदान पूरी दुनिया में हमेशा ये माना जाता है कि दगाबाजों का, देशद्रोहियों का खानदान है, उसकी तीसरी पीढ़ी के वंशज ज्योतिरादित्य आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस का खानदान पूरी तरह से देशद्रोही है, ट्रेटर है, विश्वासघाती है। मैं आपको 1857 की पहली जंग की आज़ादी, जो कि आज़ादी का पहला संग्राम माना जाता है, जिसमें तात्या टोपे और दूसरे जो महान हमारे शहीद थे, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सबसे प्रमुख थी, उन्होंने एक लड़ाई का पूरी तरह नेतृत्व किया। वो लड़ाई जो है लाल किले के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई, और मंगल पांडे, तात्या टोपे, मैंने जो नाम बताए, फडणवीस, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए और उन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो, और दिल्ली चलकर जो है फतेह करो। तो सबको याद होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने गोद लिए बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर अपने घोड़े पर बैठकर वो चली गई और उसने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना है, तो आप देखिए उसने ग्वालियर के सिंधिया के चौथी पीढ़ी के उस समय के राजा से मदद मांगी कि आप मुझे मदद करो। और तब राजा ने क्या किया, तब ज्योतिरादित्य के यानी पिता के पिता के पिता ने देश की आजादी के साथ विश्वासघात किया और महारानी लक्ष्मीबाई को मरने दिया, और यहाँ तक कि उनकी लाश को दफनाने से या उनकी लाश का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर। ये एक दगाबाज लोगों का खानदान है जो कि हमेशा सत्ता की चाशनी चाटने के लिए हमेशा सत्ता के साथ रहा है। याद में आपको याद होगा कि इनके पिता थे माधवराव और उनकी माता जी थी जो राजमाता विजयराजे सिंधिया के रूप में जानी जाती थी। उनका कोई पर्सनल विवाद था जिसकी वजह से उन्होंने आरएसएस की मदद की, और आरएसएस की ही मदद नहीं की बल्कि उन्होंने बीजेपी की मदद की, और उस समय जनसंघ होती थी और जनसंघ को सहयोग दिया। जब माँ और बेटे में झगड़ा हुआ, वो किस वजह से था अगर उसकी बात बताई जाए तो ज्योतिरादित्य को बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि वो एक फिल्मी कहानी से ज्यादा बदतर है, लेकिन वो बात हम करना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते, लेकिन उसके प्रमाण सब मौजूद है। अब जब माँ बेटे में झगड़ा हुआ तो बेटे ने कहा कि मैं जो है माँ के खिलाफ हूँ, और बेटा तो चला गया कांग्रेस में और माँ रह गई भारतीय जनसंघ में। भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी की वो महिला नेत्री बनी और हमारा उनसे बड़ा अच्छा निजी संबंध रहा। लेकिन आप एक बात समझिए, माधवराव सिंधिया का जो बेटा था ज्योतिरादित्य, उसने भी उतनी मलाई खाई। उसको सोनिया गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी, तीसरा बच्चा मानती थी, और वो एक अकेला था जो कि सोनिया गांधी से मिलने रात के किसी भी पहर में जा सकता था। तो जब कमलनाथ की सरकार बनी,
ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जाने को उतारू हुए, और आप समझिए कोरोना काल में, यानी कोरोना में फैलने की एक वजह जो थी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की जो कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, यानी कोरोना लागू ना हो, कोरोना का मामला जो है वो तुरंत अनाउंस ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने इंतजार किया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाए, वहां विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, और उसकी वजह से देश में करोड़ों लोग मारे गए। तो आप समझिए सत्ता के लालची ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी का खानदान जो है वो ट्रेटर है, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही है, कहावत है मराठी की बड़ी फेमस, जिसमें कहा जाता है कि छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। तो जिसका पूरा का पूरा खून ही देश के द्रोह से रंगा हुआ है, जिसका खून ही गंदा है, वो आज दूसरे लोगों को कह रहा है कि आप जो है ट्रेटर हो। अब ये जो बयान है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद नहीं दिया, आप समझिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब उन्हें सूरत की अदालत में अपील करने के लिए दो दिन पहले जाना था, तो उन्होंने वहां की न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए सब लोगों को गए। उसमें कौन कौन गए? उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री गए, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए, उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री गए, प्रियंका वाड्रा गई, और लगातार बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। अब आप समझिए कि क्या हिंदुस्तान की किसी भी अदालत के न्यायाधीश को कोई भी व्यक्ति अपने अदालत में पेश होने जाता है तो क्या वो डरा सकता है? आज के समय में राज्य इतना सक्षम है कि कोई आदमी हिंदुस्तान के किसी न्यायाधीश को डरा नहीं सकता। हिंदुस्तान के न्यायाधीश को डराने का ठेका जो है वो जनता के पास नहीं है, हिंदुस्तान के न्यायाधीश को डराने का ठेका ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, एनआईए के पास है, या जो धन्ना सेठ है, अडानी अम्बानी और दूसरे अनी नानी, ये सब इनके पास है। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे फ्रंट लाइन पे क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि लोगों ने देखा कि जो बयान स्मृति ईरानी देती है लोग हंसने लगते हैं, यानी जब भी स्मृति ईरानी आती है मेरी तो हंसी निकल जाती है, कभी जरूर राहुल गांधी के बारे में अनशन बोलेगी, फिर वो उन्होंने एक दूसरे ठाकुर साहब पकड़ रखे हैं वहां चल के, वो जब भी बोलते हैं वो ऐसी बात बोलते हैं गोली मारो और हंस के बोलते हैं। तो दिल्ली के एक न्यायाधीश हैं चंद्रधारी सिंह, उन्होंने बड़ा अजीब सा तर्क देकर उनको बरी कर दिया कि अगर आप किसी को कहते हैं कि गोली मारने की बात अगर हंसते हुए बोलते हैं तो ये अपराध नहीं है, अगर रेप भी आप हंसते हुए करते हैं तो अपराध नहीं है, अगर आप घूसखोरी भी करते हैं हंसते हुए करते हैं तो अपराध नहीं है। और जब उनका मैंने बयान सुना और जिस तरह उन्होंने बरी किया, तो मैंने हमेशा देखा कि जो भी आदमी हिंदुस्तान में घूस लेता है वो हंसते हुए लेता है, वाह 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 वाह। और इसी तरह जो मतदाता होते हैं जब वो शराब पीते हैं मुर्गे खाते हैं चुनाव से एक पहले की रात को, वो भी बड़े खुश होते हैं, वाह 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 वाह। तो एक तरह से हिंदुस्तान के लोगों की रग रग में इन लोगों ने बात पहुंचा दी है कि अगर आपको क्राइम करना है, कोई अपराध करना है, तो बेशर्मी से करो, बिना झिझक के करो, बिना झिझक और बिना किसी पछतावे के करो। और यही बात है कि ये जो मोर्चा आज ज्योतिरादित्य ने खोला है उससे मुझे लगा कि सरकार अब और नीचे रसातल पर जा रही है, उनकी बातों में कोई वजन नहीं। अभी आपने देखा होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर को कहा कि राहुल गांधी का जिस तरह से निष्कासन हुआ है, जिस तरह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया गया है, इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। भाई संसद का मकसद क्या है? संसद को हम कहते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत, लॉ मेकर्स वहां बैठते हैं, और लॉ मेकर क्या करते हैं, वो बैट बॉल लेके चलते हैं, वो एक दूसरे को छुरा दिखाते हैं, वो गोली मारते हैं नहीं, वो तर्क करते हैं। तर्क करने की जो संस्कृति है वो अदालत में भी चलती है और वो विधानसभा में भी चलती है, लोकसभा और राज्यसभा में भी चलती है, लेकिन तर्क करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, नैतिकता का इस्तेमाल करना होता है, तर्कशास्त्र का इस्तेमाल करना होता है, और आपको समझना होता है कि आप क्या बात कह रहे हैं। अगर आपको बात कहने की तमीज नहीं है, समझ नहीं है, तो पहलवानों के बीच में बहस नहीं हो सकती, गूंगों के बीच में बहस नहीं हो सकती, बहरों के बीच में बहस नहीं हो सकती। तो आप समझिए कि आज की संसद गूंगी और बहरी बनाने की साजिश हो रही है। अब खड़गे ने जो बयान दिया, आपने कहा जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि संसद में अगर आप बहस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? संसद होती किस लिए है?
अगर संसद में बहस नहीं होनी तो संसद का मकसद क्या है? संसद को क्लब तो है नहीं, संसद को ये तो है नहीं कि आप गए वहां सो गए और चले आए। संसद का एक ही मकसद है कि वो देश की हर रक को, हर खबर को वहां पर रखा जाए। और इसीलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जीरो आवर, जिसमें कि कोई भी सदस्य कोई भी बात उठा सकता है, वो इसीलिए। मोदी शासन में अगर आप जीरो आवर की प्रोसीडिंग देखें, हर दिन एक घंटा होता है जीरो आवर, 60 मिनट का, अगर उसकी सारी प्रोसीडिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा जीरो आवर की अहमियत ही खत्म कर दी गई है। जीरो आवर का कोई वहां पर, अगर संसद का पूरा आप जो ब्यौरा आता है संसदीय बहस की और जो किताबें छपती हैं, डिबेट छपती हैं, उनमें जीरो आवर का कोई जिक्र ही नहीं है। मैं आप भी आपके सामने कहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, अगर इनसे पूछो संसद में एक जीरो आवर होता है तो ये सारे के सारे लोग दिमाग जाते रहेंगे कि जीरो आवर का मतलब क्या है। जीरो का मतलब ये समझते हैं जीरो, तो जीरो आवर को मोदी सरकार ने जीरो कर दिया है। और जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था हमारी लोकसभा का, हमारी राज्यसभा का, हमारी विधानसभाओं का, लेकिन उसमें सदस्यों को निर्बाध छूट थी, वो किसी भी मुद्दे को उठाकर बहस कर सकते थे। अगर आप ढूंढने के 9 साल में कितने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पे बहस हुई, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इस संसद में बहस की परंपरा ही नहीं है। और राहुल गांधी के ऊपर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया हमलावर हुए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये नहीं कहना चाहिए कि राहुल गांधी ट्रेटर हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, अगर वो समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा भाषणवीर हूं, तो मोदी जी को चाहिए वो उसको अपनी तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त करें कि अब तुम जाकर जो है राहुल गांधी से आमने सामने की बहस करो। और आमने सामने की अगर बहस होगी, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत जाते हैं, तो मैं कहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बढ़िया मंत्री हैं, एक समझदार नेता हैं। और अगर वो हार जाते हैं तो मैं कहूंगा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो भाड़े के टट्टू बने हुए हैं, वो जो है दूसरे के गंदे कपड़ों को लेकर सोचते हैं कि उनको इस्तेमाल में उनसे लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और एक तरह से कल गुलाम नबी आजाद ने अपनी पोल खोली, अब जो है हम देखते हैं कि अपनी पोल खोलने में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आ गए हैं। बाकियों का जो मैंने नाम गिना, ये सारे भाषणवीर जो है कि अपनी भड़ास निकालते हैं, कभी आमने सामने सार्थक बहस करने को तैयार नहीं होते। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। सर, अभी आपने कहा कि कल गुलाम नबी आजाद, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल कौन हो सकता है? रोजाना कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है। ऐसा है, जब आपके सारे के सारे, जब आप महाभारत को याद करो, जब सारे बड़े शूरवीर मर गए तो छोटे की जो है बारी आई और वो लड़ने के लिए उतरे। या इसका रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स ये है कि रामायण में जब मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तो अंत में रावण को लड़ने के लिए आना पड़ा। तो आप समझ लीजिए अगली बहस जो है वो रावण और राम के बीच में होगी। और मैं गोस्वामी तुलसीदास की रामायण की एक ही पंक्ति को सबसे अच्छा समझता हूँ, जिसमें वो कहते हैं रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण कौन था? वो रथ पे सवार था। और रघुवीर कौन थे? राम जो थे वो पैदल थे। आज जो पैदल है वो रावण से लड़ेगा, और रावण और राम की लड़ाई में कौन जीतेगा ये सबको पता है। हिंदुस्तान की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने एक ही बात सिखाई है कि राम की जीत होती है। और इस युद्ध में भी राम की जीत होगी। जीत उसकी होगी जो सड़क पर है, जो पैदल है, जिसके घुटनों में जान है, जो चल सकता है, बोल सकता है, जो विचार कर सकता है, ना कि उनकी जो 200 चैनल खरीद के सोचता है कि मैं कुछ भी अपना झूठ फैला सकता हूं। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। जीत उसी की होगी जिसके घुटनों में जान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। कल गुलाम नबी आजाद, आज सिंधिया, दोनों के बयान आपके सामने और विश्लेषण भी आपके सामने रविंद्र जी का। कल अगर कुछ नया आता है तो नए एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात होगी। आप लोगों को छोड़ देते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे रविंद्र जी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।